खबर भिंड से है, जहां अस्पताल के एक कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो अस्पताल के जन्म मृत्यु शाखा में बैठे कर्मचारी का है, जहां जन्म प्रमाण पत्र के एवज में कर्मचारी के द्वारा रिश्वत मांगी गई थी। सरेआम रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ। इस पूरे मामले पर सिविल सर्जन अनिल गोयल का कहना है कि वही कर्मचारियों को जन्म मृत्यु शाखा से हटा दिया गया है और 3 दिन का नोटिस जारी किया है, जिसमें जवाब मांगा गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जहां एक ओर दावा किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार को हम खत्म करेंगे और स्वास्थ्य विभाग को मजबूत बनाएंगे, वहीं तरफ दूसरी तरफ ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही। मेरे संज्ञान में आया था ये मामला, तो वहाँ जो उस कक्ष का प्रभारी थे, उस कक्ष के प्रभारी थे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र कक्ष था वो, तो मुन्ना पावक थे, उनको उसी समय वहाँ से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया उनको, और उनको एक शोकॉज नोटिस इशू किया गया है, कारण बताओ नोटिस जिसे कहा जाता है, जिसमें 3 दिन के अंदर उनको जवाब देने को कहा गया है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया और इसमें सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। सर हालांकि दिख रहा है सरेआम पैसे ले रहे हैं, फिर इन पर क्या कार्रवाई बनती है? 3 दिन की क्यों दिया गया है? 3 दिन का उसको मौका दिया गया अपने बात रखने का। खबर भोपाल से है, जहां राजधानी भोपाल में बढ़ा महिला पुलिस का सम्मान, जहां महिला थाना प्रभारी की अनूठी पहल से महिला थाने में गोद भराई की रस्म की गई। राजधानी भोपाल के महिला थाने में पदस्थ करिश्मा रजावत की हुई गोद भराई। मध्य प्रदेश में पहली बार पुलिस थाने में देखने को मिली महिला की गोद भराई की रस्म, जहाँ महिला SI की गोद भराई रस्म में थाने को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। SI करिश्मा रजावत का प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है और SI करिश्मा रजावत को गोद भराई रस्म के बाद लीव पर भेजा गया। इंस्पेक्टर करिश्मा रजावत का 7 माह की गर्भवती थी और चूंकि उनको थोड़ी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम थी तो उन्हें घर जाना था, और चूंकि इस दौरान भी उसने बहुत हार्ड वर्क किया, थाने में पूरा समय दिया, और चूंकि उनका परिवार यहाँ रहता नहीं है, ग्वालियर में रहता है, तो उनका कोई फैमिली मेम्बर ना होने से जो 7 माह अंत में गोद भराई की जो रस्म होनी थी वो हो नहीं पाई थी, तो हमने सोचा कि हम ही उसके परिवार के सदस्य, क्योंकि हम ही लोग थाने में ज़्यादा समय हमारा निकलता है और इतना स्ट्रेस का माहौल रहता है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने एक गोद भराई की रस्म की। आपका क्या रोल था उसमें? मैं चूंकि बड़ी दीदी थी उसकी, तो मैंने भी उसमें सहयोग किया। और आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं? हाँ, चूंकि हमारे जो कमिश्नर सर हैं, DCP सर हैं, वो इस तरीके के पुलिस में सकारात्मक माहौल रहे, पुलिस जो है तनावपूर्ण वातावरण में काम ना करे, ऐसे वो कई कार्यक्रम सर की लोगों की तरफ से ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, उसी भावना को ध्यान में रखते हुए मैंने ये छोटा सा कार्यक्रम रखा था। और क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि गर्भावस्था एक महिला का बहुत सुंदर और बहुत संवेदनशील समय होता है, और ऐसी स्थिति में हर थाने में गर्भवती महिला को एक तनाव फ्री माहौल मिले और इस तरीके की सुंदर विदाई दे, ताकि वो एक नए जीवन की शुरुआत के लिए जब जाती है तो